हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए जो आपका काम भी आसान कर देगी और आपका टेस्ट भी बढ़ा देगी। ये वन पॉट रेसिपी है टमाटो राइस की और ये इतनी अल्टीमेट मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि आप इन्हें एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी, इसे हम कैसे बनाते हैं। टमेटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो ये सामान लिया है वो यहाँ पे टमेटो और अनियन, इन्हें हमने कट करना है। और आप लोग जिनको भी पुलाव बनाना होता है, मतलब जिन्हें बिरयानी पसंद है लेकिन उसमें बोटियाँ या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पसंद है, तो उनके लिए पुलाव एकदम बेस्ट है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पड़ने वाला है। ये बिल्कुल जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो नॉन वेजिटेरियन होकर जिन्हें पुलाव पसंद है या बिरयानी पसंद है लेकिन उसमें बोटियाँ नहीं पसंद होती हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमने दो अनियन कट कर लिया है, उसके साथ हम यहाँ पे चार से पांच टमाटर लिए हैं जिन्हें हमें कट करना है। और हमने एकदम फ्रेश टमाटो यूज़ किए हैं ताकि इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो उसके सबसे पहले हमें क्या करना है, वेजीज कट कर लेनी है, उसके बाद आपका जो पुलाव है उसकी तैयारी करनी है। और इसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें यहाँ पे टोटली आधे से पौन घंटा इसे बनाने में लगा है और बहुत मज़े का बनकर तैयार हो चुका था। सच में हमने पहली बार ट्राई किया था तो इतना पसंद आता कि मेरा फेवरेट बन गया था, इसीलिए आपके साथ भी आज इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास जो भी चावल हो, यहाँ पे हमने ये बासमती राइस यूज़ किए हैं, एक कप चावल हमने लिया है, इन्हें हमें भिगा कर रख देना है क्योंकि भीगे हुए चावल जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इन्हें हमें अच्छी तरह से वॉश करना है। तो यहाँ पे हमने चावल को बोल में ट्रांसफ़र किया है और इसे हम अच्छी तरह से एक से दो पानी से वॉश कर देंगे। उसके बाद इसे भिगा कर आधा से एक घंटा रख देना है पहले ही, जब भी आपको पुलाव बनाना हो आप उसे आधा एक घंटा पहले, सबसे पहले क्या करना काम करना है आपको, चावल भिगा कर रख देना है और जब भी आपको खाना हो तो फटाफट उठ के फौरन बना लेना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर वीडियो को आगे देखो। तो यहाँ पे चावल को एक साइड रखते हैं और यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसी पैन में हम पूरा जो पुलाव है वो बनाने वाले हैं। तो इसमें हमने ऑयल डाला है, यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। फिर थोड़े से हमने खड़े मसाले लिया है जिसमें है हाफ टी स्पून जीरा है और 7 से 8 काली मिर्च, 2-3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 2 हरी इलायची ली है। इसे 1 से 2 मिनट तक सॉटे करेंगे। उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर देनी जो हमने कट की थी, और आप चाहें तो अपनी थोड़ी सी और वेजीज या फिर जो चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो ये टमाटो राइस ही ट्राई कीजिएगा क्योंकि जो अभी टमाटर का फ्लेवर इसमें आता है बहुत मज़े का आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। सीरियसली एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पर, ओके। तो यहाँ पे जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च कट करके डाल दी हैं। आप जितना भी तीखा चाहे उतना रख सकते हैं, कम चाहे तो कम रख दीजिए, ये नहीं कि हमने अगर ज़्यादा बताएं तो आप उतना ही रख दीजिए, फिर कहेंगे ज़्यादा तीखा हो गया है। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसमें हमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है क्योंकि हमारा मटेरियल भी कम है तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा कम डालना है। और ये अदरक का कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा तब इसमें हमें नेक्स्ट प्रोसेस ऐड करना है। और आप लोग मेरी आवाज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, लेकिन आप लोग रेसिपी पे ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी वीडियोस देखते रहें। इसके बाद जो हमने टमाटर कट किए थे वो ऐड कर देंगे, आप थोड़े से और भी टमाटर ऐड कर सकते हैं जितना फ्लेवर आपको पसंद हो। और इसे भी 1 से 2 मिनट तक ही कुक करना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। और ये देखिए चावल जो हमने भिगा के रखे थे, अब इसका पानी यहाँ पे हम निकाल देंगे, चावल हमारे अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, इसका पानी हमें निकाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर भी है वो तो अच्छी तरह थोड़ी तरह से गल चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है, और 1 टीस्पून में यहाँ पे धनिया पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपको पसंद हो, और 1/2 टीस्पून में यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो बिरयानी मसाला कोई मसाला ऐड कर सकते हैं। इसे मसालों को हमें थोड़ी देर भूनना है, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पे करीब 3 से 4 चम्मच हमने दही यूज़ किया है, दही से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दही को भी डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर सॉटे करेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं और दही भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दे रहे हैं और ये चावल सोख होने के बाद और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से चावल लग रहे हैं। तो यहाँ पे चावल ऐड कर दिया है और अब इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। चावल को मिक्स करने के बाद इसमें हमने टोटल 1 से 1.5 कप पानी यूज़ किया है, ज़्यादा पानी हमने नहीं यूज़ किया पहले क्योंकि जो पैन था वो मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया था। आप थोड़े बड़े बर्तन में बनाइएगा, हमें आइडिया नहीं रहा और हमने इसी में बना दिया लेकिन फिर भी बनकर तैयार हो गए थे। तो इसके बाद इसे हमने कवर कर दिया है
और 20 से 25 मिनट में हमने हाई फ्लेम और लो फ्लेम करके इसे पकाया और ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। ये टमाटो राइस बनाने के लिए आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। सच में आप लोग जब भी कुछ इंस्टेंट खाने की तैयारी में हो या कुछ जल्दी से बनाना हो और मज़े का, तो ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर बनाइए। बहुत चटपटा और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। इसे हमने दही के साथ खाया है और बहुत मज़े का है। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, बाय।